चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 18.6 रुपीज की, बुक वैल्यू है 20.8 रुपीज की, पेट्रोस्की स्कोर है 4 का। ये जो कंपनी है 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो है बेसिकली मार्बल और माइनिंग ऑफ ग्रेनाइट के मार्केट में है, बिजनेस में है ये, प्रोसेसिंग ऑफ मार्बल एंड माइनिंग ऑफ ग्रेनाइट। तो अगर अपन और देखें, चलिए इसमें अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 48 लाख का प्रॉफिट है जून 2024 में। उसके पहले -5.56 करोड़ का नेगेटिव था, फिर -7.17 करोड़ का नेगेटिव था, फिर उसके पहले 16 लाख का पॉजिटिव था। इस तरीके से काफी फ्लक्चुएट होता रहता है इनका प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर अपन यहाँ ईयरली बेसिस पर देखें तो 6.50 करोड़ का ओवरऑल नेगेटिव है यहाँ पे, फिर 4.32 करोड़ का नेगेटिव है, फिर 5.87 करोड़ का नेगेटिव है, 3.92 करोड़ का नेगेटिव। तो 2021 के बाद से लगातार कंपनी को नेगेटिव लॉसेज ही हो रहे हैं, तो ये जो है ये अच्छा साइन नहीं है। बट लेट्स सी, कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 7 लाख का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, 1.37 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है, और 1.50 करोड़ का नेगेटिव, मतलब जो है कैश फ्लो नेगेटिव में है, 1.50 करोड़ का वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है 0.06 करोड़ का। अगर अब अपन यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 27.24% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, डीआईएस की होल्डिंग 0.34% की है, पब्लिक होल्डिंग है 72.42% की। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग की भी अगर अपन बात करें तो वो भी कम की है प्रमोटर्स ने अपनी। प्रमोटर की होल्डिंग 2017 में भी 35.83% की है, जो कि ओवरऑल कम ही होती है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है हमारे ओपिनियन में, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का भी इतना कम होना। तो ये जो है ओवरऑल अगर हम यहाँ न्यूज की बात करें तो न्यूज में देखें तो यहाँ पे वन डे पहले की न्यूज है कि ओरिएंटल ट्राइमेक्स ने सिक्योर किया 30-ईयर लीज एक ग्रेनाइट क्वेरी का। तो ठीक है चलिए, बाकी ओवरऑल फाइनेंसिस वगैरह तो अच्छे नहीं है कंपनी के, और बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने वाली कंपनी है। अगर नहीं, हम तो इसमें कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, और बाकी ओवरऑल सबके लिए यही है कि थोड़ा सा फाइनेंसिस को और अच्छा, थोड़ा क्या, इनफैक्ट फाइनेंसिस को काफी अच्छा होने की जरूरत है, तब आगे इसमें कोई भी प्लानिंग करेंगे। इसलिए कोई लेवल्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, और बाकी हमेशा की तरह जिसमें भी अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको अपना स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना ही है। और अगर आपको और अच्छा डिटेल में एनालिसिस देखना है, और अगर आप लोगों को सीखना है एनालिसिस करना, तो हमारे एडमिशन ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।